हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आपका वलम फिर से एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और यहां पर कुछ समसम उमसम रखा है और यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कितना यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम चल रहा है। तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहना और देखो, इन्जॉय करो। और मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड में, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और आप लोग देखिए यहाँ पर क्या प्रोग्राम चल रहा है, और उतना क्लियर आ नहीं रहा होगा, तो क्या कर सकते हैं। सामने प्रोग्राम चल रहा है और काफ़ी भीड़ है, तो मैं स्टेज के पास तो नहीं जा सकता, और यहाँ से मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना भीड़ है और कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और अगर आप लोग आते हैं, अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर राउंड पूरा अच्छे तरीके से अपना इंजॉय कर रहा है और देख रहा है। आप लोग आइए और घूमिए और इंजॉय कीजिए। और रोड वोड सब पूरा बंद है, सिर्फ मेट्रो बस और मेट्रो जो द्वारकातर का है वो सब चल रहा है, क्योंकि इतना भीड़ है यहाँ पर, तो इसीलिए सब बंद करके रखा है। और ये नीचे से आप सीधा यहाँ से आप सीधा ऊपर आ सकते हैं, यहाँ से नीचे सीधा ऊपर आ सकते हैं, और यहाँ पर थोड़े इसमें पूरा इंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग आइए और इंजॉय में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना भीड़ और कितना क्राउड यहाँ पर चल रहा है इस वक्त। और फीफा वर्ल्ड कप का ये सब तैयारी है और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इतना भीड़ है। और फीफा वर्ल्ड कप मैच देखने के लिए 35 लाख लोग यहाँ पर आया हुआ है, और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर है और काफ़ी भीड़ है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मैच देखने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं, और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर दोहा कतर में जब अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर किस तरह से आपको घूमने के लिए और लोग इस टाइम जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है इस टाइम देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर जिसको पानी और कुल्फी और चाय जो भी कुछ चाहिए, आप लोग देखते हैं रोड के साइड साइड में यहाँ पर कॉर्निस में सब लगा दिया है, और आप लोग आ करके यहाँ पर आराम से अपना खाइए और घूमिए और इंजॉय कीजिए। और ये दोहा कतर का जो कॉर्निस है, शाम का नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं, और शाम का लगभग 6:30 बज रहा है। और अभी मैं दिखाता हूँ ये पीछे साइड में क्या खूबसूरती और क्या नज़ारा है, आप लोग देखिए और इंजॉय कीजिए। और सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये सब पूरा झंडा पूरा फ्लैग हर देश का पूरा सब लगाया है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना लोग कितना भीड़ है यहाँ पर। अगर आप लोग आते हैं तो आइए यहाँ पर, शाम का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। और अभी ये लाइट नहीं जल रहा है, ये जो लाइट है ना, ये लाइट जलता है, तो अभी लाइट फिलहाल नहीं जल रहा है। और ये पाकिस्तान का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैग लेके ये लोग अपना सब यहाँ पर ये कर रहा है, और फुटबॉल टीम के लिए यहाँ पर जो है जो भी कुछ फैंस के तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद दोहा कतर में ये लोग कर रहा है, और कुछ इस तरह से वो सपोर्टर है। और जिस कंट्री का यहाँ पर लोग हैं ना, मतलब जो फुटबॉल टीम यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए आई हुई है, उस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ 35 लाख बाहर से लोग आए हैं, मतलब फैंस आए हैं। ये नहीं कि दोहा कतर में मतलब कतर गवर्नमेंट ने मंगाया है ये मैच, अपना टिकट और जो भी पैसा खर्चा करके लोग काफ़ी यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंजॉइंग, और कोई रोक टोक नहीं है पूरा, मतलब ये नहीं महसूस करेंगे कि आप मतलब बाहर कंट्री में हैं और बाहर कंट्री में आप आए हैं मैच देखने के लिए, और ऐसा लगेगा कि अपने मतलब घर पे ही हैं और मैच यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो आइए, और ख़ास करके शाम का टाइम अगर आप लोग आएंगे जैसे 6-7 बजे, तो कुछ इस तरह से आपको भीड़ का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। और इस साइड में भी प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं चलता हूँ इस साइड में भी, और अगर उधर जाऊँगा तो मैं आप लोग को दिखाऊँगा। और यहाँ पर कुछ इस तरह से है,
तो आप लोग आइए और देखिए और घूमिए और एंजॉय कीजिए। और ये फीफा वर्ल्ड कप पर काफ़ी लोग यहाँ पर मैच देखने के लिए उत्सुक हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और ये साइड में मैं दिखाता हूँ कितना खूबसूरत है, आप लोग देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत सजाया है और काफ़ी लोग यहाँ पर मैच देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और अगर आप लोग आते हैं तो इस टाइम का खूबसूरती, इस टाइम का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। और ये फ्लैग हर कंट्री का यहाँ पर लगा दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर 32 टीम फुटबॉल मैच खेलती है तो 32 देशों का ही यहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है, और जितना कंट्री है ना उतना कंट्री का यहाँ पर दोहा कतर में फ्लैग लगा हुआ है। और ये नहीं है कि मतलब जो 32 टीम आएंगी फुटबॉल मैच देखने के लिए वही लोग का फ्लैग लगा हुआ है। और अभी मैं इस साइड आया हूँ, काफ़ी भीड़ है और इतना लोग है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग आइए और घूमिए और इन्जॉय कीजिए, और काफ़ी यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा देखिए और इन्जॉय कीजिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से है, और ये देख रहे हो गाइस कितना भीड़ है और कितना फैंस है जो लोग मैच देखने के लिए यहाँ पर आए। और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, और काफ़ी जो है यहाँ पर भीड़ चल रहा है और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हेलो गाइस, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और तो मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ और फिर मिलता हूँ आगे वाले ब्लॉग में इसी टॉपिक इसी एरिया के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चैनल पे पहली बार हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए।